हेलो दोस्तों, सीएनसी गुरु टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं जगन्नाथ आज आपके लिए और एक नया वीडियो लेके आया हूँ, जिस वीडियो में आज हम लोग कुछ और नया सीखेंगे। आज का वीडियो का जो टॉपिक था हमारा, वो टॉपिक मुझे पूछा था मंसूर खान अहमदाबाद ने। मंसूर खान जी जो है, उन्होंने पूछा था कि सर किसी भी प्रोग्राम को मिरर कैसा करें। तो मिरर के लिए उन्होंने मुझे पूछा था, उनका क्वेश्चन बहुत सही था। बहुत सारे लोगों ने मिरर के लिए भी मुझे अब तक पूछा, बट रिसेंटली कमेंट में जो पढ़ रहा हूँ उसके अंदर मुझे मंसूर खान जी ने पूछा था। बाकी भी लोगों ने पूछा होगा, तो मैं उनका अभी कुछ रिस्ट्रिक्शन के वजह से बहुत सारे नाम नहीं, नहीं मैं नहीं ले सकता हूँ, बट जितनों ने भी मुझे पूछा था एक क्वेश्चन, उनको उनका आंसर आप देने का टाइम आ चुका है। दैट इज अ हम लोग मिरर प्रोग्रामिंग कैसा करें, एकदम सिंपल सा वे है, सिंपल से मेथड से हम लोग मिरर प्रोग्रामिंग करेंगे। तो मिरर प्रोग्रामिंग करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग स्केलिंग कैसा करें इसका भी एक बार वीडियो देख लीजिए, तो आपको थोड़ा सा एक रफ आइडिया आ जाएगा कि मिरर के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग। एकदम छोटा सा वीडियो रहेगा, ज्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा, इजिली हम लोग इसके थ्रू जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग वीडियो बनाने के लिए बनाने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग अगर नए होंगे, तो अगर उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो लाइक मुझे भी एक टाइप का मोटिवेशन मिलेगा कि इतने सब्सक्रिप्शन बन चुके हैं। ओके, तो हम लोग अभी हमारा टॉपिक के ऊपर चलते हैं, दैट इज अ मिरर प्रोग्रामिंग। मिरर कैसा करें, मिरर माने क्या, मिरर माने क्या आईना, आईना माने क्या, हम लोग आईने के अंदर खड़े रहने के बाद जो भी हम लोग देखते हैं हमारी हूबहू तस्वीर हम लोग देखते हैं मिरर के अंदर, कुछ भी चीज दिखाओ। मगर जब भी आप लोग कुछ लेटर या कुछ आप लोग लिखे वाली अगर चीज अगर मिरर के सामने देखोगे ना आप, तो आपको उल्टी दिखेगी। मीन्स इसका मतलब मिरर एग्जैक्टली वैसे का वैसा नहीं बताता है, उसका रिप्लिका बताता है, मीन्स उसका उल्टा बताता है मिरर। ओके, तो कैसा चलता है हमारे सीएनसी प्रोग्राम में मिरर, वो हम लोग देखते हैं। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोग्राम मैनेजर में जाएंगे। प्रोग्राम मैनेजर में जाने के बाद हम लोग न्यू प्रोग्राम बनाएंगे, दैट इज मिरर, MIRROR, मिरर का प्रोग्राम मैंने डाल दिया नाम। न्यू प्रोग्राम कैसा बनाना इसका डिटेल मैंने दिया है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसका डिटेल प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शन आपको मिल जाएगा। नया प्रोग्राम कैसा बनाए, इसके अंदर हम लोग जस्ट मिरर कैसा बनाएंगे वो देखेंगे। जितने भी लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको पता है मेरा स्टाइल कैसा है प्रोग्रामिंग का, तो उस प्रोग्रामिंग के स्टाइल के हिसाब से मैं सबसे पहले मेरा हेडर डालता हूँ G90 एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग, G40 कटर डायमीटर कंपनसेशन कैंसिल, G17 XY प्लेन सिलेक्शन, G71 डायमेंशन इन mm, G94 फीड रेट इन mm, उसके बाद G54 मेरा ऑफसेट नंबर, उसके बाद G75 X0, G75 Z0 सबसे पहले, उसके बाद X0, G75 X0 Y0, G75 X0 Y0, उसके बाद टूल सेलेक्ट करेंगे हम लोग, सेलेक्ट टूल, जो भी कुछ टूल है उस टूल को हम लोग ओके करेंगे, D1 ऑफसेट नंबर M6 आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्पिंडल RPM देंगे, यस 1000 M3, इजी मेथड है। उसके बाद G0 X10 Y10, एकदम सिंपल सा प्रोफाइल बना रहा हूं जो कि आपको इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा। आप लोग कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो आप लोग कितना भी डिफिकल्ट प्रोफाइल बना पाओगे, मगर आप लोग अगर समझने में अगर आपको दिक्कत कुछ होता है, प्रॉब्लम होता है, तो दैट विल बी अ वेरी डिप्लोमेटिक फॉर यू। सो आप लोग एकदम इजीली इजी मेथड समझे, उसके बाद आप लोग प्रोफाइल में चले जा सकते हैं। मैंने एकदम इजीली एकदम स्क्वेयर का प्रोफाइल बना रखा है, और इसके बाद मैंने G0Z5, उसके बाद G01 Z0, मैंने मेरे वर्कपीस को, मैंने मेरा टूल को टच किया है F100 की स्पीड से, उसके बाद मैं मेरा प्रोफाइल बना रहा हूँ G01 X50, G01 Y50, G01 X10 जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था, G01 अगेन Y10, एकदम इजी मेथड है, जहां से स्टार्ट किया था वहां पे मैंने एंड किया, एक स्क्वायर बनाया है दूसरा, मैंने ऐसा कुछ भी इसके अंदर सेपरेट नहीं किया है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, G75, आप लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे हैं कि सर G0 Z10 लिया करो, आप लोग डायरेक्ट ऐसा मत निकाला करो, ठीक है इट्स ओके, नहीं निकाला तो भी चलेगा, G75 Z0, उसके बाद M05 M30,
इस तरह से मेरा एक सिंपल सा प्रोफाइल बन चुका है। ये मेरा सिंपल प्रोफाइल है और मेरा जो प्रोफाइल है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है, करेक्ट। अगर हम लोग क्वाड्रेंट डायमेंशन सिस्टम देख रहे हैं, कार्टेशियन डायमेंशन सिस्टम अगर हम लोग देख रहे हैं, तो उसके अंदर मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा प्रोग्राम बन चुका है। अब हम लोग इसका सिमुलेशन देखेंगे। आप लोग सिमुलेशन देखोगे तो आपको स्क्रीन के ऊपर आपको एक ग्राफ दिखेगा और ग्राफ के अंदर आपका आपका प्रोग्राम दिख रहा है। देखो देखो थोड़ा सा प्रोग्राम में जूम करके दिखाता हूं आपको। डिटेल्स जूम, ओके। एक्चुअली ना यहाँ पे कुछ एक प्रोफाइल यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रहा है। G0X10Y10 यहाँ पे Y0 हो गया, यहाँ पे मुझे XY10 डालना पड़ेगा। ओके, तो मेरा कंप्लीट प्रोफाइल होगा। नॉट बहुत ज़्यादा ऐसा टेंशन लेने वाली चीज़ नहीं है, प्रोफाइल का मामला है वो। ये देखो ये प्रोग्राम मेरा प्रोफाइल बन गया, आपको ग्रीन लाइन में दिख रहा है। अगर आप लोग समझ रहे हो तो समझ सकते हो आप लोग। मैं थोड़ा सा इसको जूम करके भी दिखाता हूँ और इसका स्पीड भी थोड़ा कम करके दिखाता हूँ मैं आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा। सिमुलेशन का स्पीड मैंने कम कर दिया है, इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ तो आपको थोड़ा सा इजी रहेगा। ये देखो आपको कौन सा इसमें आ रहा है, ये कोऑर्डिनेट्स अगर आप लोग देखोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। ओके, अभी हम लोग इसको क्या करते हैं, एडिट। अभी हम लोगों ने, सर आपने तो हमें मिरर सिखाते बोल के बोला, और आप लोगों ने तो मिरर सिखाया नहीं, आप लोगों ने तो एकदम सिंपल सा एक स्क्वायर कराने को सिखाया, ऐसा आपके दिमाग में आता होगा। बट यहाँ पे हमको एकदम इजी मेथड है, इजी मेथड से जाना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग जो हमारा प्रोफाइल है उस प्रोफाइल के बाद हम लोग यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ये प्रोफाइल है, यहाँ पे मैं डालता हूँ AMIRROR, ए मिरर। मैंने क्या डाला, ए मिरर। उसके बाद डाला मैंने X0, क्या डाला मैंने X0। स्पेलिंग समझ में आना है, मिरर का स्पेलिंग MIRROR इज मिरर, स्पेलिंग पता है, यस। उसके पहले मेरे को ए डालना है, ए मिरर। ए माने एप्पल, एप्पल और मिरर, ए मिरर डाल दिया। और इसके बाद मैंने डाल दिया X0। X0 डालने के बाद जहां पर मेरा प्रोफाइल खत्म होता है ना, पूरा प्रोफाइल जहां पर मेरा खत्म होता है वहां पे मैं डालूंगा मिरर, MIRROR। यहाँ पे ए मिरर नहीं डालूंगा, यहाँ पे सिर्फ मिरर डालूंगा, वो मेरी कमांड डिसेबल करने के लिए। तो मेरी कमांड यहाँ पे अनेबल हो गई ए मिरर, और उसके बाद मेरी कमांड यहाँ पे डिसेबल हो गई मिरर। ओके, यहाँ पे मेरी कमांड डिसेबल हो गई। ओके, तो अभी एक काम करता हूँ, एक्चुअली ना मैंने यहाँ पे मिरर नाम का एक प्रोग्राम बना रखा था पहले शायद से। ओके, तो मेरे को ना इस प्रोग्राम को मेरे को थोड़ा सा डिलीट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये प्रोग्राम मेरा मेरे प्रोग्राम में आ जाएगा। तो मैं इस प्रोग्राम को मुझे डिलीट करने के लिए यहाँ पे मिरर क्यों आ रहा है, क्योंकि एक सेकंड ना मैं दिखाता हूँ आपको ये प्रोग्राम कहाँ से आ रहा है। यहाँ पर मेरा प्रोग्राम है, एक सेकंड डिलीट, यहाँ पे आपको डाला मिरर MIRROR, MIRROR मिरर। ओके फाइन, ये मिरर का कौन सा प्रोग्राम है, मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको सिमुलेशन। ये देखो आपका जो प्रोग्राम है ना, ये देखो कौन सा एक्सेस में आ गया, ये देखो। थोड़ा सा भी स्पेलिंग मिस्टेक या गलती करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। पहले मेरा प्रोग्राम मिरर या ए मिरर लिखने से पहले मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता था, अभी ये मेरा प्रोग्राम आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में। सही है, करेक्ट। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं Y0 लिख के लिखते, ए मिरर के आगे X0 लिखा है ना वहां पे, और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे Y0, X की जगह पे Y0। यहाँ पे X10, Y10 ऐसा कुछ नहीं डालना है, सिर्फ जीरो डालना है। यहाँ पे मैंने डाल दिया Y0, और आई विल से अगेन सिमुलेशन। अच्छे से क्लियरली देख लो, छोटी सी वीडियो एकदम। ये देखो अभी Y एक्सिस में आ गया, मीन्स कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, करेक्ट ना। इस क्वाड्रेंट नंबर फोर्थ, मीन्स ये देखो पहले यहां पर था, यहां से यहां पे शिफ्ट हो गया, मीन्स Y एक्सिस में आ गया। अभी समझो मेरे को इसको और क्या कर सकता हूं, इसमें ऑप्शन, इसमें और एक ऑप्शन है X0 Y0, दोनों भी अगर मैंने डाल दिया तो क्या होगा, दोनों भी डाल दिया तो मेरा मिरर जो है
ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, देखिए सेम डायमेंशन थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो आपको डायमेंशन की फिक्र करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ मिरर और ई मिरर दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और कहाँ डालना है ये भी ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे गलती कर दिया तो गलती हो गया। ओके, तो हमारे प्रोफाइल से पहले ए मिरर डालना है, उसके बाद एक्स एक्सिस में करना है मिरर आपको, तो एक्स एक्सिस डालो। वाई एक्सिस में मिरर करना है तो वाई एक्सिस डालो। दोनों एक्सिस में मिरर करना है तो दोनों एक्सिस डालो। एक्स के सामने जीरो, वाई के सामने जीरो, उसके बाद मिरर नाम डालना है। ओके, थोड़ा सा केयरफुली करिए, यहाँ पे थोड़ा भी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो आपका एरर आ जाएगा, जैसा कि मेरा अभी आ रहा था। ओके फाइन, तो इस तरह से हमने अभी मिरर देखा। आप लोग इस मिरर प्रोफाइल के लिए, अगर आप लोगों ने इससे पहले अगर स्केलिंग का प्रोफाइल देखा होगा तो मैंने स्केलिंग के अंदर आपको सब प्रोग्राम कैसा यूज करते हैं वो दिखाया था। तो मिरर में भी आप सेम मेथड यूज करके सब प्रोग्राम भी मिरर में आप लोग चला सकते हो। एक बार करके देखिए, अगर आपको कुछ डाउट आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चन पूछिए, आपके क्वेश्चन के आंसर मैं दे दूंगा और ऐसे हम लोग चलते रहेंगे। तो मैं वंस अगेन आई विल थैंक यू टू यू ऑल, मैं आप सभी का धन्यवाद कहना चाहता हूँ और स्पेशली मैं मंसूर खान जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो कि अहमदाबाद से है। उन्होंने मुझे पूछा था कि सर मुझे मिरर प्रोग्राम बनाने के लिए सिखाइए, तो मैंने हम लोगों ने आपको अभी मिरर देखा। कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अगर आप सब्सक्राइब करोगे मेरे चैनल को तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। थैंक्स अगेन, थैंक यू सो मच।